नेक्स्ट ऑर्गन जो हम डिस्कस करेंगे इज हार्ट. एलिमेंट कौन सा है? फायर. इंटरनली एक्सटर्नली किसके साथ पेयर्ड है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ. ठीक है. हार्ट की जो फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू चाइनीज मेडिसिन, इट डोमिनेट्स ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. वन, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, यही दिस इज व्हाट जो हमने वेस्टर्न साइंस में भी यही कुछ पढ़ा है कि ब्लड और ब्लड वेसल्स को डोमिनेट करता है. ठीक है. सेकेंड, इट हाउसेज द माइंड. ये थोड़ा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. देन कंट्रोल स्वेटिंग. थर्ड इज ओपन्स इनटू द टंग. अगेन एम्ब्रियोलॉजिकली टंग का और हार्ट का ओरिजिन एक है फ्लेंजियल पाउचेस से. डोमिनेट्स द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. दिस इज द मोटिव फोर्स बिहाइंड द ब्लड सर्कुलेशन. रिक्वायर्स प्रॉपर हार्ट ची और एनर्जी, या जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं. जब हार्ट पंप करता है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज हार्ट ची. ठीक है. रिक्वायर्स प्रॉपर हार्ट ची फंक्शन फॉर नॉर्मल पल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कलर. यार बंद कर दो प्लीज. डेफिशिएंसी लीड्स टू वीक थ्रेडी पल्स एंड पेल टंग. ठीक है जी. दिस इसमें तो मतलब हार्ट पंप करेगा तो ब्लड और वो सर्कुलेट करेगा सारा कुछ. ठीक है. हार्ट शी अगेन द फोर्स विद विच द हार्ट पंप्स दैट इज़ द की. वो जितनी स्ट्रांग होगी उतनी जो सर्कुलेशन है उतना पल्स वॉल्यूम उसका रेट रिदम सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी. ठीक है. क्योंकि पल्स इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट. ये एनेस्थीजिया वालों का हमसे बहुत बेहतर पता है. ठीक है. और अगर हार्ट ची या हार्ट की एनर्जी वीक है. ठीक है. तो क्या होगा? पल्स वीक होगी, थ्रेडी होगी. ठीक है. टंग विल बी पेल और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर भी, मतलब जो एनीमिया के ऑल दो साइंस ऑफ एनीमिया. नेक्स्ट इज इट हाउसेज द माइंड. माइंड है क्या? और रैशनैलिटी. हो गया तो ओवरऑल हो गया ना. कौन कौन सी फैकल्टीज हम माइंड में इंक्लूड करते हैं? आपकी जितनी मेंटल एक्टिविटी है. ठीक है. इंटेलेक्ट है, थॉट्स हैं, मेमोरी है, स्लीप है, स्पीच है. ये 6-7 मेजर फैकल्टीज हैं. आपकी स्पेशियल अवेयरनेस, ऑल दीज थिंग्स आर हायर मेंटल, जिनको हम हायर मेंटल फंक्शंस कहते हैं. ठीक है. और ये जितनी चीज़ें हैं फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव दे आर रिलेटेड टू हार्ट एंड हार्ट ब्लड. ठीक है. चाइनीज कंसेप्ट ये है जो मतलब इज़ वेरी नियर टू इस्लामिक कंसेप्ट एज वेल, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जी इंसानी जिस्म में खून का लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारे का सारा इंसान दुरुस्त हो जाता है, और वो दिल है. जितनी ट्रेडिशनल चीज़ों की हम बात करते हैं उसमें जितनी बात मतलब जो जितने फंक्शन हमने ब्रेन को दिए हैं वो सारे के सारे फंक्शन, वो चाहे हिंदू है, इस्लामिक है, जैनिज़्म है, चाइनीज़ है, वो सारे के सारे हार्ट को करते हैं. अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मेडिसिन दिस इज़ द मोनार्क ऑफ ऑल द ऑर्गन्स. दैट इज़ द रीज़न अल्लाह ने इसको सबसे ऊपर प्लेस किया है. बाकी जितने ऑर्गन्स हैं इसके नीचे हैं एनाटॉमिकली भी. तो सो इट हाउसेज माइंड. और माइंड में वही चीज़ें आपकी जितने हायर मेंटल फंक्शंस हैं. तो सो और दूसरी चीज़ ये है कि जो हाउस है, जो हार्डवेयर है दैट इज़ द हार्ट इटसेल्फ. और जो ब्लड है हार्ट में
that is the cushion or that is the amenities or that is the software जो उसकी रेजिडेंस को कंफर्टेबल करता है. दो चीज़ें हो गई, वन इज़ हार्ट इट्सेल्फ जो मकान है, ठीक है, और जो ब्लड है, इफ हार्ट ब्लड इज़ गुड, हार्ट ब्लड इज़ सफिशेंट, हार्ट ब्लड इज़ अबंडेंट, कि ये आपके घर में बैकअप भी है, मतलब ऑल दी अमेनिटीज, वो जो है दैट इज़ ब्लड. सो बोथ थिंग्स के हार्ट जो है दैट इज़ दैट प्रोवाइड्स रेजिडेंस, और जो हार्ट ब्लड है दैट प्रोवाइड्स कुशन टू रिजाइड इन हार्ट. दो चीज़ें हो गई, ठीक है. और अगर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी है तो दिस विल लीड टू मेंटल रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी एंड शेन. शेन चाइनीज़ मेडिसिन में कहते हैं माइंड को, ठीक है. सो ऑल दी जितनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, रेस्टलेसनेस, एंगर, जितनी चीज़ें, नॉट एंगर, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हार्ट के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है. और हार्ट कौन सा बंदा आजकल है जिसको स्ट्रेस या ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम हार्ट चैनल से यूज़ करते हैं दैट इज़ हार्ट 7, ठीक है. ये आपकी लिटल फिंगर, ये डिस्टल रिस्ट क्रीज, दिस इज़ द पॉइंट, ये जी 5, इससे 1 थंब ब्रेथ, ठीक है. दिस इज़ द पॉइंट हार्ट 5. और वो जो कल हमने डिस्कस किया था मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, वो हम हार्ट 5 से हार्ट 7 की तरफ मसाज करते हैं दोनों साइड पे. ये हार्ट 7 है जो आपका प्रोमिनेंस है उसके बिल्कुल साथ, दिस इज हार्ट 7, ये जी बिल्कुल रिस्ट क्रीज के साथ हार्ट 5, ये उससे 1 थंब ब्रेथ, दिस इज हार्ट 5. इनके बीच में हार्ट 6 भी है. सो जब आप ये एरिया कवर करते हैं तो आप तीनों पॉइंट्स को कवर करते हैं. हार्ट 7 जो है दिस इज़ द सोर्स पॉइंट, हार्ट 5 जो है वो हार्ट का फंक्शन या हार्ट ची के लिए, और जो हार्ट 6 है इनके बीच में दैट इज़ फॉर हार्ट ब्लड. तो सो जब आप ये एरिया स्टिमुलेट करते हैं तो आप हार्ट को ओवरऑल नरिश कर रहे हैं, हार्ट ब्लड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और हार्ट की जो ची है हार्ट. तो सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स, फाइव सिक्स सेवन इकट्ठे हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के एरिया में तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट इज कंट्रोल स्वेटिंग, ब्लड कैरीज फ्लूइड एंड इज विच इज़ इंटरचेंजेबल विद इट, ठीक है ना. बॉडी फ्लूइड इज़ यूज्ड टू मेक अप स्वेट. अगर हार्ट डेफिशिएंसी है तो दो तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है. स्वेटिंग जितना बॉडी में फ्लूइड है, और फ्लूइड कौन कैरी कर रहा है, ब्लड, ठीक है. जितना फ्लूइड का वॉल्यूम होगा स्वेटिंग उस पर डिपेंड करेगी. बट पैथोलॉजी हार्ट की जो डेफिशिएंसी है वो दो तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है. हार्ट जिन अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है, दैट इज़ हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी. हार्ट में यिन क्या है, ब्लड, और हार्ट में यैंग क्या है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, हार्ट का जो फंक्शन है, दैट इज़ हार्ट यैंग, ठीक है. तो अगर यिन डेफिशिएंसी है तो नाइट स्वेटिंग, ठीक है. जो एनीमिक पेशेंट्स हैं, यू आप हिस्ट्री लें, रात को मिडनाइट में प्रोफ्यूज स्वेटिंग की हिस्ट्री देते हैं, ठीक है. दूसरा, जहाँ पे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट के फंक्शन की प्रॉब्लम है, ज़रा सी एग्जर्शन के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, वो सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट करती हैं, ठीक है. तो सो अगर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, तो
तो नाइट स्वेटिंग, प्रोफ्यूज, और अगर हार्ट यंग या कंट्रैक्टिलिटी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या हार्ट वैसे फेलियर में जा रहा है, तो एक्सर्शनल डिस्निया और उसके साथ प्रोफाउंड स्वेटिंग होगी। कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट इज इट ओपन्स इनटू द टंग, ठीक है, कंट्रोल्स कलर एंड अपीयरेंस ऑफ द टंग, पर्टिकुलरली टिप ऑफ द टंग, ठीक है। अगर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली हमें टंग पेल नज़र आती है, अगर एक्सेस है, हीट है, तो टंग विल बी मोर रेड, ठीक है। टंग की एक जब हम डायग्नोस्टिक्स पढ़ेंगे तो पूरा एक टॉपिक है जिसको हम टंग डायग्नोसिस कहते हैं, और चाइनीज़ ने पूरी की पूरी बॉडी टंग पे उन्होंने ड्रॉ की है। टिप इज हार्ट, साइड्स आर लिवर एंड गॉल ब्लैडर, इमीडिएटली बिहाइंड द इज लंग्स, और जो मेजर बड़ा एरिया है दैट इज स्टमक एंड स्प्लीन, उसके पीछे किडनीज हैं। अगर हम देखें कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उनकी एक तो सेंट्रल क्रैक बड़ा प्रोमिनेंट होता है टांग में, ऑब्जर्व करें अपने पेशेंट्स में, ठीक है, और दूसरा टिप जो है वो फायरी रेड है, नज़र आ रही है टिप में, और बाकी एक दूसरे का ऑब्जर्व करें, ये देख लेना टिप, ठीक है, ये सीधी रखना टिप स्पेसिफिकली। हम लोग जितने लोग जो जिसको भी सोच है वो की कहते हैं अकल ते सोची, ठीक है ना। तो टिप जो है ये स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट करती है हार्ट के फंक्शन को, और फ्रॉम चाइनीज परस्पेक्टिव हार्ट फंक्शन इज मेंटल फंक्शंस, आपका जितना थिंकिंग लॉजिक ये सारा, तो मोर यू आर इनटू मेंटल वर्क, टिप जो है उस पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन, ज़्यादा रेड होगी, और ठीक है जी।